हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म तो आपको पता है, इम्पीरियलिज्म क्या है? ये साम्राज्यवाद, एक जो है पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को अपने अंडर में जो है लेना चाहती है और वहाँ पे अपना कंट्रोल बनाना चाहती है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकम अ नैरो क्रीड विद अ लिमिटेड एंड। तो जैसे पहले आपने देखा था, नेशनलिज्म किससे जुड़ा हुआ था? लिबरल और डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ था। लेकिन पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा कि कंजर्वेटिव ने क्या सोचा, नेशनलिज्म को यूज़ करते हैं खुद का जो है इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो ऐसे से जो है इटली ने जो है इटली के कंजर्वेटिव ने नेशनलिज्म का यूज़ करके इटली को यूनिफाई किया। जर्मनी में भी वैसा हुआ, तो ये हम देखेंगे अभी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड इवन रेडी टू गो टू वार। तो अभी नेशनलिस्ट ग्रुप जो है, जैसे इटली का एक नेशनलिस्ट ग्रुप है, जर्मनी का है, तो ये भी एक दूसरे के लिए बहुत इनटॉलरेंट हो गए हैं और कभी भी जो है एक दूसरे के खिलाफ युद्ध पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपेरियलिस्टिक एम। यूरोप की जो पावर थी, तो ये लोगों के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को इस्तेमाल करने के खुद का जो इंपेरियलिस्टिक एम जो है पूरा करने के लिए। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बलकान। तो सबसे ज़्यादा जो सीरियस जो नेशनलिज्म की वजह से टेंशन कहाँ पर बढ़ गया? बलकान में। क्यों? बलकान ऐसा रीजन था जहाँ पर कई सारे जो है जोग्राफिकल और इथनिक वेरिएशन थी। मॉडर्न डे जो है बलकान रीजन कॉम्प्राइज ऑफ रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकडोनिया। मैकडोनिया से कुछ आता है? अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो मैकडोनिया के थे। क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनीग्रो, हुज इनहेबिटेंट वेयर ब्रॉडली नोन एज सल्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ बलकान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो बलकान का जो है लार्ज पार्ट ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, जो आज है टर्की। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बलकान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, ग्रीस जो है कैसे ओटोमन एम्पायर से क्या सेपरेट हुआ, ग्रीस के जो है अंदर में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट कैसा है, तो वैसा सेंटीमेंट जो है अभी पूरे बलकान रीजन में आने लगी, क्योंकि उनकी इथनिक जो है वो अलग थी। बुल्गेरिया जैसे बुल्गेरिया अभी एक नेशन है, ग्रीस नेशन है, मैकडोनिया नेशन है, तो वैसे दिस स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशन इन बलकान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो ये जो है नेशनलिज्म की जो सेंटीमेंट है, तो ये एरिया को बहुत एक्सप्लोसिव बना दिया। कैसे? ऑल दो द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेन इटसेल्फ थ्रू द मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट वॉज लिटिल सक्सेसफुल। उस टाइम पे जो है ओटोमन एम्पायर ने कुछ कोशिशें की थी कि जो खुद को मॉडर्नाइज कर पाए, एम्पायर को मॉडर्नाइज कर पाए और इंटरनल रिफॉर्म कर पाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वन बाय वन इट यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंट। तो एक के बाद एक जो थे वहाँ पे यूरोपियन उनके सब्जेक्ट थे, जहाँ पे ओटोमन एम्पायर राज करते थे पूरा बलकान रीजन के अलग अलग, जो जैसे हमने देखा बुल्गेरिया, मैकडोनिया, तो अलग अलग होने लगे और खुद का इंडिपेंडेंस जो है घोषित करने लगे। द बलकान पीपल बेस देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैव सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर। तो बलकान के जो लोग हैं, तो पॉलिटिकल राइट मांगने लगे, इंडिपेंडेंस मांगने लगे और खुद को प्रूफ करने लगे नेशनलिटी को, कि हम जो है पहले एक नेशन हुआ करते थे, फिर बाद में ये फॉरेन पावर ने हमें जो है सब्जुगेट कर ली। जैसे आज जो है टिबेट करता है, टिबेट कहता है कि वो एक नेशन है लेकिन उसे चाइना ने सब्जुगेट कर लिया। हेंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बलकान थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्टिंग इंडिपेंडेंस। तो बलकान के जो रीजन के लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम स्ट्रगल करते हैं अपना बहुत जो टाइम से हमारा इंडिपेंडेंस छीन लिया गया उसे वापस पाने की। एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बलकान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट।
द बल्कान स्टेट वेयर फियरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। तो बल्कान रीजन जैसे बहुत सारे जो है वहाँ पे नेशनलिज्म जो फॉर्म हो गया तो सबका अलग अलग इतनी थी, तो नेशनलिज्म जो नेशन भी बनाना चाहते थे अलग, तो एक दूसरे से ज़्यादा जो है लैंड चाहना जो जो है ज़मीन चाहते थे वो लोग एक दूसरे के एक्सपेंसिव। मैटर वे फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, बड़े पावर की राइवलरी का भी सीन बन गया बल्कान, तो वहाँ पे जो है स्थिति और गंभीर हो गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। उस टाइम पे जो है यूरोपियन पावर में राइवलरी चलती थी, किस लिए? ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, नेवल पावर को लेके और मिलिट्री पावर को लेके, मिलिट्री ताकत के लिए। द राइवलरीज वेयर इवन एविडेंट इन द वे ऑफ बल्कान प्रॉब्लम अनफोल्ड। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वेयर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बल्कान। तो बल्कान पे है दूसरे की पावर हटा के खुद की पावर जो है करना चाहते थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी एंड एक्सटेंड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार इन द रीजन, फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस जो है विषय की वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारे युद्ध चले और आखिरी में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तब्दील हो गया। ये आप फोटो देख सकते हो, ये मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटेन एम्पायर। तो यहाँ पे दिखा रहा है ब्रिटेन की जो है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बिस्किट तो आप सबने खाया होगा। कभी आपने सोचा है कि ब्रिटानिया जो है तो एलिग्री है फॉर ब्रिटिश नेशन के लिए, जैसे जर्मनी या जर्मन नेशन के लिए थी, मैरिनिफ जो है फ्रांस के लिए थी, तो वैसे ही ब्रिटानिया, ये जो बैठी है ब्रिटानिया, तो ये एलिग्री थी फॉर ब्रिटिश नेशन। यहाँ पे सिंबलाइज क्या कर रहा है, जो ब्रिटेन है तो वर्ल्ड के ग्लोब पे बैठा है, यानी पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे अफ्रीकन्स हैं, इंडियंस हैं, तो वो उनके स्लेव्स हैं, इस फोटो में दर्शाना चाहते हैं। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपेरियलिज्म लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो नेशनलिज्म जो जुड़ गया था इंपेरियलिज्म से, तो फिर आखिरी में डिजास्टर बना 1914 का, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। बट मीनवाइल मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपेरियल डोमिनेशन। तो दुनिया की दूसरी कंट्री जहाँ पे 19th सेंचुरी में यूरोपियन ने जो है उनको अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो वो अब अपोज करने लगे और खुद का जो है नेशन फॉर्म करने के लिए कहने लगे। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट डैट डेवलप एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस डैट दे ऑल स्ट्रगल फॉर टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वेयर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्ज इन अ कन्फ्रंटेशन विद द इंपीरियलिज्म। तो वहाँ पे जो थी एक नेशनल फीलिंग थी, नेशनल यूनिफिकेशन था वहाँ पे कॉलोनी में, जहाँ पे पहले 19th सेंचुरी में यूरोप ने जैसे अपनी कॉलोनी बना लिया था, और उनका जो नेशनलिज्म था तो यूरोप से जो हटके था, तो यूरोप का जो है नेशनलिज्म वैसा डुप्लीकेट वहाँ पे, सॉरी, यूरोप के नेशनलिज्म की जैसा वहाँ पे कॉपी नहीं किया गया। उनका जो है सबका, हर कॉलोनी का अलग जो है खुद का अपना वेरिएशन था नेशनलिज्म में। बट द आइडिया डैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्ट एज अ नेशनल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो आइडिया था कि नेशनलिज्म जो है, नेशन स्टेट जो है एक नेचुरल और यूनिवर्सल जो है, उसे नेचुरल और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म चैप्टर भी फिनिश कर दिया है। तो 6th चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। थैंक यू।